टेंथ का एक्सरसाइज नंबर 2.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं लिखा हुआ डिवाइड द पॉलिनोमियल पी एक्स बाय द पॉलिनोमियल जी एक्स एंड द फाइंड द क्वोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी जो ये पी एक्स दे रखा है ये क्या है, यानी ये हमारा डिविडेंड है बच्चों, और जो जी एक्स है ये है डिविजर, राइट। तो ये ऑलरेडी दे रखा है, यानी ये देख सकते हैं ये क्या है हमारा डिविडेंड और ये है डिविजर। इन्हें सॉल्व करके हमें क्या फाइंड करना है, क्वोशेंट और रिमाइंडर। तो हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम यूज नहीं करना होगा, क्योंकि यहाँ पे हमें डिविजन मेथड यूज करना है, राइट। तो यहाँ पे लिख लेते यूजिंग डिविजन मेथड, राइट बच्चों। तो देखिए क्या इसमें जिससे डिवाइड करना, यानी एक्स स्क्वायर माइनस टू, देखिए ये इसकी अरेंज है, क्योंकि हाईएस्ट पावर सबसे पहले होनी चाहिए, तो ऑलरेडी अरेंज है, तो अरेंज करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगेन देखते हैं ये जिससे डिवाइड, डिविडेंड भी अरेंज है क्योंकि हाईएस्ट पावर सबसे पहले, तो एक्स क्यू माइनस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स माइनस थ्री, राइट बच्चों। और ये हम रफली यूज़ कर लेते हैं यहाँ पे रफ वर्क। अब देखिए इस एक्स में किससे, एक्स स्क्वायर में, ये एक्स स्क्वायर है, इस एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें जो ये माइनस का एक्स क्यू आए, राइट बच्चों। तो यहाँ पे हम एक्स से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो एक्स क्यू आ जाएगा, तो हमारा क्वोशेंट फर्स्ट क्वोशेंट क्या आ गया, एक्स। एक्स को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो एक्स क्यू आएगा, और जो हमारा ये क्वोशेंट आया है यानी क्या है, एक्स मल्टीप्लाई जो यहाँ पे सेकेंड वैल्यू माइनस का टू, तो माइनस टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का टू। तो देखिए माइनस एक्स वाली वेरिएबल कहाँ, यहाँ पे, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे नहीं लिखना, ये है, तो माइनस का टू एक्स, राइट। अब इसे सॉल्व करते, ये पॉजिटिव है एक्स क्यू तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स क्यू ऊपर वाला पॉजिटिव है, ये नीचे वाला नेगेटिव, तो ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए फाइव एक्स पॉजिटिव है और टू एक्स भी पॉजिटिव है, तो क्या आ जाएगा, यानी सेवन एक्स, राइट, वो भी पॉजिटिव का। अगेन ये है माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर, जो बच्चा है माइनस का थ्री अगेन लिख लेंगे, राइट बच्चों। सेकेंड स्टेप में देखते हैं एक्स स्क्वायर में किससे मल्टीप्लाई करें जो माइनस का, हमारे पास माइनस का थ्री एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर ऑलरेडी है, तो यहाँ पे अगर हम माइनस थ्री से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा हमारा थ्री एक्स माइनस थ्री एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस थ्री से, तो क्वोशेंट क्या आ गया, माइनस थ्री, माइनस थ्री को एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे तो क्या आएगा, माइनस थ्री एक्स स्क्वायर, राइट बच्चों। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये माइनस का टू है, यानी जो माइनस का टू हमारा क्वोशेंट क्या आया था, माइनस का थ्री। अब इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है, थ्री टू जो सिक्स आएगा, लेकिन माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, राइट बच्चों। तो ये क्या आ जाएगा, अब देखिए सिक्स नंबर कहाँ है, यहाँ पे सिक्स, तो पॉजिटिव के थ्री, अब साइन चेंज कर लेते, ये नेगेटिव है माइनस के तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये सिक्स क्या पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब देखिए माइनस थ्री एक्स स्क्वायर ये नेगेटिव है, और ये नीचे वाला ये पॉजिटिव है थ्री एक्स स्क्वायर, तो पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए माइनस का थ्री है और ये माइनस का सिक्स है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, बट साइन इज माइनस, और ये प्लस का है तो प्लस का सेवन एक्स। हमसे पूछा क्या था, क्वोशेंट पूछा था, तो आप देख सकते हैं क्वोशेंट की वैल्यू क्या आ गया, यहाँ पे देख सकते हैं क्वोशेंट हमारे पास क्या आ जाएगा, ये क्वोशेंट है, तो क्वोशेंट क्या आ गया, एक्स माइनस थ्री, राइट बच्चों। और हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, आप नीचे देख सकते हैं ये है हमारे पास रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आ गया हमारा, सेवन एक्स माइनस नाइन,